ये क्या कर रही हो? तुम्हारी शर्ट गीली है ना, सुखा देती हूँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे कपड़े भी तो गीले हैं। ये क्या हुआ तुम्हें? ये हा? ये बचपन में मैं अभी के लिए पतंग पकड़ रहा था, छत से गिर गया और ये तीन पसलियां टूट गई, ये देखो। अच्छा, बचपन में तो मुझे भी लगी थी, साइकिल से गिर गई थी, देखो। ये देखो, यहाँ देखो। कहाँ? हाँ, अरे बाप रे। और ये पीठ पे? अरे पीठ पर तो मुझे भी जख्म है, देखो। दिखा? कहाँ? वहाँ नीचे, वहाँ बाबा नीचे। दिखाई नहीं दे रहा। क्या कर रहे हो? ओ ये। भाई मैं जा रहा हूँ। पहले ये बता कि तुम दोनों को यहाँ का पता किसने दिया? कादर भाई ने। कादर भाई ने? अच्छा अच्छा। निशा हा? ये मेरा छोटा भाई है अभी। हाय। और ये इनकी पढ़ाई है पूजा। बहुत पढ़ता हूँ रियली। हाय पूजा, मैंने कहा था ना कि आप बॉडी है मेरे भाई की, इसकी बाजू भी सेक्सी, इसकी टांगे भी सेक्सी, इसकी बैक भी सेक्सी है। चुप। क्या चाहिए तुझे? पैसा? नहीं नहीं, पैसे तो बहुत है। तो फिर? नहीं भाई, एक्चुअली क्या है कि एक क्लब खुला है, बैक पाइपर्स क्लब, तो हम लोग सोचा वहाँ जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, तो हमारे साथ साथ आपकी भी लाइफ इंटरेस्टिंग होगी। मगर आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग है, क्यों? बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम लोग चलते हैं। एक मिनट ईशा, चलोगी? हाँ हाँ चलो चलते हैं, बस दो मिनट कपड़े बदल के आती हूँ। तो भाई आप भी कपड़े पहन लीजिए, क्यों? नॉट अ बैड आइडिया। ओह यस। अच्छा जाना कहाँ है? सुनिए, क्या आपको वो आदमी इस होटल का कार पार्क करने वाला दरबान लगा? नहीं। तो आप अपनी गाड़ी ऐसे ही किसी भी अजनबी को दे देती हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार मिलने पे भी अजनबी नहीं लगते। मगर क्या आपको लगता है वो वापस आ जाएगा? वो आएगा, जरूर आएगा। छोकरी, गाड़ी, वारे ऊपर वाले। यहाँ भाई। अरे बात तो निकलो भाई, एक मिनट यार। अरे दर्शन तो दे दो गवर्नमेंट। तो ये आ गई गवर्नमेंट। किधर है? अरे इधर हूँ भाई। क्या कर रहे हो मेरी गवर्नमेंट? बेकारी में रेजगारी गिन रहे हो यार। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जन्नतुल मुकाम दोज़खुल हराम, क्या हाल है मेरी जान? खैरियत है। कैसे आना हुआ? खादर भाई वो आज मुझे भूख बहुत लग रही है। मैं जानता हूँ, जब आपको भूख लगती है तब आपको खादर भाई की याद आती है, वरना मेरे दरवाजे पे कौन आता है? नहीं नहीं। क्या खाओ? कलेजा खिलाऊं? नहीं खादर भाई। दिल खिलाऊं? नहीं खादर भाई। कान खिलाऊं? नहीं खादर भाई। आंखें खिलाऊं? नहीं खादर भाई। आज भेजा खाने का मन कर रहा है खादर भाई। भेजा? मेरा भेजा पुलिस खा गई, तेरा कहाँ से खिलाऊं यार? मैं आपके भेजे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बकरे के भेजे की बात कर रहा हूँ। बकरे के भेजा कहाँ होता? हाँ एक बकरा मिला था भेजे वाला, मैं उसको काटने का तो हाथ जोड़ के बोला नहीं खादर भाई आज मत काटो, आज मेरा एसएससी का एग्जाम है। क्या क्या करेगा एग्जाम देगे? एक दिन छुरी के नीचे तो आना ही है। नहीं माना, अभी तो कॉलेज के चक्कर कर रहे हैं। क्या बंडल मारते हो कादर भाई, कहाँ कॉलेज कहाँ बकरा। ये जो कॉलेज जाते हैं ये बकरे नहीं है, कभी नौकरी की छुरी के नीचे, कभी छोकरी की छुरी के नीचे। तो चलो एक ऑमलेट ही खिला दो। ऑमलेट? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत? दिखाऊं? आओ। वो क्या है? देखो हमारा गैस खराब हो गया। अच्छा ये अरपर
और हाथ पार इसकी यहाँ से आवाज आती है यहाँ से बाहर निकल जाती है बहरा सुनाई नहीं देता अच्छा। एक मिनट मालिक हाँ आम खाओगे आम मर जाऊं सो जाऊं हाँ लेट जाऊं लेट जाऊं मैं से जाऊं कट लेट आम लेट आम लेट आम लेट आमलेट आमलेट खाओगे तो सीधा बोलो ना आमलेट लिया तेरी जाता हूँ चल बैठ दादर भाई ये वेटर आपको छोड़ यार ये तो मेरा रोज करोना है ये बता बाबा कहाँ है बस आता ही होगा कसम से यार तुम दोनों को साथ में नहीं देखता तो ऐसा लगता जिंदगी अधूरी हो गई है मेरी बात मानना जिंदगी में तूफान आए कयामत आए मगर कभी दोस्ती में दरार ना आने पाए वादा वादा और मेरा भी वादा ए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम और क्या खा रहा है आम आम लेट लेट प्लास्टिक का मगर तू क्यों खाने की बात कर रहा है तू घर गया था ना माँ ने पेट भर के खाना खिलाया होगा थोड़ा सा मेरे लिए नहीं ला सकता था मैं आकर घटिया खाना थोड़ी खाता हूँ ये तो मैं गाकों को खिलाता हूँ क्या अच्छा सुन तू अपने भाई से मिला नहीं अभी जा रहा हूँ चलता है आज मेरे दरगाह शरीफ जाने का दिन है अरे बाप रे भूल गया देखा कादर भाई भूल गया एक दिन भाई के लिए दोस्त को भी भूल जाएगा अरे होता है यार क्या होता है यार सोच एक दिन अपने भाई और अपने दोस्त में से किसी एक को चुनना है तो फिर क्या करेगा मैं बताता हूँ ना क्या करेगा पहले मैं डंडा लेगा दोनों का सर फोड़ देगा ऐसी बात करेगा तो क्या फोड़ देगा सर चलो जाओ दरगाह जाओ दो मांगो चलो कादर भाई आपके लिए कुछ मांग लो मांग ले एक लुगाई मांग लो लुगाई हाँ मांग ले भले 60 बरस की लुगाई हो मगर उस लुगाई के साथ 56 करोड़ की चौथाई हो बस 56 करोड़ अबे तू जाना भाई महाराज जैसे राजा के लाल चल ये तो मेरी कमर तोड़ दी है भाई आप जानते नहीं ये कितनी मेहनत और मुशक्कत का काम है अभी एक तो तुम्हारी लाइफ में टाइमिंग कमाल है यार क्या हुआ भाई इतने इंप्रेशन जमा रहा अपने भाई अगर मेरी माँ को मालूम पड़ गया ना क्या तुम समझती नहीं हो भाई नहीं आया यार भाई भाई ये है पूजा और पूजा ये है हाय हाय तो ये है तुम्हारी मोटी मोटी किताबें हाँ मुझे तो खास मोटी नहीं लगी और वो जो तुम रात रात भर मेहनत करते हो पढ़ाई करते हो तुम्हें तकलीफ तो होती होगी हाँ चलो मैं तुम्हें बॉम्बे ले चलूँ नहीं भाई नहीं भाई भाई देखिए जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा मुझे फल नहीं मिलेगा फल जो फल तुम्हें मिला है वो तो मैं देख ही रहा हूँ और हाँ वो जो तुम कमर तोड़ ड्रिल की बात कर रहे थे ये परेड की बात हाँ परेड आप उसे परेड कहते हैं और आप क्या करती हैं ओनली पार्ट टाइम भाई वैसे ये पढ़ती है मैं आपको भी पढ़ सकती हूँ आपकी हाइट 6'2" है सीना 42 इंच है आपको लाइट ब्राउन कपड़े पसंद है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और आपको स्विमिंग बिल्कुल नहीं बस बस पूजा नहीं अच्छा भाई ये नन्ही सी गाड़ी किसकी आपकी तो नहीं हो सकती एक प्यारे से दोस्त हाँ प्यारे से की प्यारी सी प्यारे से एक्सक्यूज मी आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा ये दुकान नई खोली है मैंने कभी किसी फूल को फूल बेचते हुए नहीं देखा सिर्फ देखेंगे या कुछ खरीदेंगे भी मैं तो आपके सारे फूल खरीद लूंगा कितने के हैं यही कोई 4,000 एड्रेस बताइए कहाँ भिजवाने हैं आपका नाम निशा टू निशा सी प्रिंसेस होटल देखिए मुझे फूल नहीं चाहिए अरे कसूर मेरा है सजा फूलों को मिल रही है सजा फूलों को मिल रही है और पसीना आपको आ रहा है ये लीजिए पसीना पोंछ लीजिए पसीना लीजिए ना